नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एमपी सेट के लिए पेपर वन के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहां से आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो कौन से वो टॉपिक है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो शुरू से आखिरी तक देखना ताकि आपको पूरे के पूरे 10 यूनिट से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसके साथ साथ दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे आपको पीडीएफ और प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे। एग्जाम का सिलेबस भी यहाँ पर आपको अपलोड कर दिया गया है, वो भी आपको मिल जाएगा। साथ में पेपर वन का दोस्तों अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चल रहा है, बहुत ही कम फीस में अभी ऑफर भी चल रहा है। 799 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, और यही आपको टेस्ट सीरीज बस अगर लेनी है तो वो आपको 299 रुपए की मिल जाएगी। तो केवल और केवल कोर्स 799 रुपए में, टेस्ट सीरीज 299 रुपए में, वन ईयर की वैलिडिटी के साथ में। कोई डाउट लगता है दोस्तों आपको रिगार्डिंग एग्जाम, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर कॉल ना उठाऊं तो आप मुझे व्हाट्सअप जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड की। जी हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट वन है वो, उसमें क्या क्या पढ़ना है तो उसमें बता दूं, जो मेथड्स ऑफ टीचिंग्स है वो आपको सबसे पहले पढ़नी है। इसमें क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा नेचर ऑफ टीचिंग, तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग हो गया, ई वैल्यूएशन सिस्टम हो गया, लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक है और टीचिंग एड्स हो गई, वो आपको यहां पर पढ़ना है। तो ये छह टॉपिक पे ज्यादा फोकस कीजिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड पे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूजीसी नेट हो या अदर स्टेट के जो सेट एग्जाम्स हैं, वेस्ट बंगाल का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो या आंध्र प्रदेश का हो, सब जगह इसी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार रिसर्च एप्टीट्यूड में जो रिसर्च इथिक्स है उसको, रिसर्च मेथोलॉजीज हो गई, टाइप ऑफ रिसर्च जैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव है ना, जो भी आपकी टाइप ऑफ रिसर्च है वो, थीसिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा वो। साथ में अप्लीकेशन क्या है रिसर्च में, आईसीटी का यूज कैसे करते हैं वो, ये टॉपिक आपको यहां पर पढ़ने हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। फिर आपका आएगा कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल है ना, वर्बल नॉन वर्बल, ये हो गया। फिर नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन बैरियर, इमोशनल बैरियर क्या है ना, अलग अलग टाइप के बैरियर्स हो गए है ना, फिजिकल बैरियर हो गया। इसी प्रकार क्लासरूम कम्युनिकेशन भी यहां पर आपको पढ़ना है। तो ये चार टॉपिक कम्युनिकेशन में कवर करने हैं, जिससे पूरे के पूरे आपका सिलेबस भी हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएगा। रही बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक ही चीज है, रीडिंग। जी हाँ, रीडिंग करनी है आपको ज्यादा से ज्यादा और प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी रीड कीजिए, रीडिंग की स्पीड बढ़ाइए और उस चीज को समझिए। तो प्रैक्टिस भी ज्यादा से ज्यादा करनी है और रीडिंग भी ज्यादा से ज्यादा करनी है। पिछले कोई भी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए और उसको सॉल्व करके देखिए। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, केवल जितना ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके आंसर जल्दी आएंगे। फिर आपका डीआई, तो डीआई में जो अभी तक पैटर्न देखा गया है ज्यादातर सेट एग्जाम में, तो टेबल वाले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा बार ग्राफ पाई चार्ट यहां पर कुछ देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आप देखेंगे टेबुलर फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीन टॉपिक यहां पर आपको करने, लाइन ग्राफ पे ज्यादातर क्वेश्चन देखे नहीं गए, नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे एक बार कोई भी आपने टाइप पढ़ लिया है तो आपको डीआई बन जाएगा। चाहे आपको बस तीन चीजें आनी चाहिए, एक तो परसेंट आना चाहिए, दूसरा एवरेज आना चाहिए, तीसरा रेशियो आना चाहिए। ये तीन चीजें अगर आपको आती हैं तो आप डीआई सॉल्व कर सकते हो, खासकर परसेंट। परसेंट आता है तो आप डीआई कर सकते हैं, परसेंट नहीं आता है तो डीआई नहीं कर सकते। तो डीआई करने के लिए तीन टॉपिक को आपका होल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है रीजनिंग और मैथ्स में, तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ब्लड रिलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन पे क्वेश्चन मिलते हैं, अल्फाबेट क्वेश्चन हो गए, एनोलॉजी हो गए, एनोलॉजी के साथ क्लासिफिकेशन पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग हो गई, लॉजिकल वाला जो पार्ट हो गया है ना, स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाला पार्ट हो गया, वो आपको देखने को मिल जाएगा। सिलोजिज्म हो गया, मतलब लॉजिकल में मैं आपको पूरा ही बोलूंगा, लॉजिकल में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो आते क्वेश्चन हुआ आपको स्लॉक्स से क्वेश्चन आते हैं है ना, और वेन डायग्राम से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले थे सेट में। तो ये दो टॉपिक हैं, इनको बहुत अच्छे से करना है, क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में देखिए एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया,
CISI हो गया है ना, इसके अलावा नंबर सीरीज हो गई, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। तो मैथ्स में जो आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट है वो लगभग पूरा ही पढ़ना है, सभी से ही आपको वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार बात करता हूं यहां पर मैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसमें जो टर्म्स यूज होती है उसके फुल फॉर्म पे बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, फुल फॉर्म पे बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बोल देगा WWW का फुल फॉर्म क्या है, बोल देगा HTTP का फुल फॉर्म क्या है, है ना, बोल देगा HTML का फुल फॉर्म क्या है, RAM का फुल फॉर्म क्या है, ROM का फुल फॉर्म क्या है, है ना। तो जो आपके इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जैसे SWAN का फुल फॉर्म क्या है, है ना, LAN का फुल फॉर्म क्या है, तो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो है कंप्यूटर में जितने भी एब्रीविएशन वाले वर्ड्स हैं उनको आपको पढ़ना है। फिर है बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट पे आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फाउंडर ऑफ इंटरनेट, पहली बार इंटरनेट कहाँ हुआ, इंफ्रा नेट का वो क्या है, है ना। इसके बाद ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, वायरस पे क्वेश्चन अभी पूछ सकता है, है ना, कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, है ना, इनमें से कौन वायरस है, इनमें से कौन एंटीवायरस है, है ना। सोशल मीडिया पे क्वेश्चन आ सकता है कि फेसबुक जो है उसके फाउंडर कौन है, इंस्टाग्राम, या फिर इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी साइट जो है सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, है ना। ऐसी रैम और रोम पे, मेमोरी पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सी डायनेमिक मेमोरी है, कौन सी आपकी स्टैटिक मेमोरी है, तो ये क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं। तो ये हो गया ICT की बात। बात करते हैं एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे तो पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो स्कीम है एनवायरमेंट से रिलेटेड वो, और नेचुरल हजार्ड्स एंड मिटिगेशन पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इनको आपको कवर करना है। इससे रिलेटेड मैं आपको लाइव क्लास कल से आपको मिल जाएगी देखने को, 7 बजे टाइमिंग, है ना, जिसमें मैं पूरा का पूरा सेट का आपको यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा, चाहे उसमें महाराष्ट्र का सेट हो, चाहे वेस्ट बंगाल का सेट हो, राजस्थान का हो, सभी के सेट एग्जाम में आपको जो प्रीवियस पेपर है वो डिस्कस कराऊंगा, ताकि आपको आइडिया रहे कि लेवल ऑफ एग्जाम क्या होने वाला है, क्योंकि UGC के क्वेश्चन थोड़े से हाई हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सेट एग्जाम। इसलिए हम जो लेटेस्ट में सेट पेपर हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हुआ हो, चाहे राजस्थान में, चाहे वेस्ट बंगाल में, ये मैं आपको कल से पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन का जो सेट रहेगा पूरा मैं डिस्कस करने वाला हूँ बायलिंगुअल। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार दोस्तों हायर एजुकेशन की बात करता हूं, तो हायर एजुकेशन में एंशंट में इंडिया में जो एजुकेशन है उस पे क्वेश्चन आ सकता है, यूनिवर्सिटीज पे क्वेश्चन आ सकता है, नालंदा, तक्षशिला, इन पे क्वेश्चन आ सकता है, है ना। फिर गवर्नमेंट स्कीम जो है एजुकेशन से रिलेटेड, टेक्निकल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हो गया, वैल्यू एजुकेशन हो गई, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो गए जैसे UGC हो गई, AICTE हो गई, इन पे, साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपके हायर एजुकेशन वाले टॉपिक है जो आपको कवर करना है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको 10 यूनिट का यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, होपफुली आपको समझ में आ गया हो क्या पढ़ना है। और रही बात एग्जाम डेट की, तो अभी तक तो देखिए 27 अगस्त कंफर्म है, आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही वो तो नोटिफिकेशन आने पर पता चल जाएगा, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी 27 अगस्त के हिसाब से ही लेके चलिए, क्योंकि भाई साहब ये सोच में मत रहिएगा कि आगे बढ़ गई, पता चला आगे नहीं बढ़ी तो फिर आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए 27 अगस्त को ही डेट मान के चलिए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आप ये मत सोचिए कि आगे बढ़ेगी, है ना। बाकी नोटिफिकेशन अगर आता है तो सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी खबर कि हाँ डेट आगे बढ़ गई है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार आगे बढ़ चुकी है डेट, तो शायद कम चांसेस हैं, बट फिर भी उम्मीद है कि आगे बढ़ सकती है। तो आप लोग 27 अगस्त मान के ही तैयारी करिए और लगे रहिए, और टेस्ट सीरीज बढ़िया से लगाइए, और टेस्ट सीरीज मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च की है पेपर 1 की केवल 299 में, जहां पर पूरे के पूरे आपको टेस्ट मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से। जी हाँ, FLT की बात करूं तो यहाँ पर आपको 8 FLT अभी अपलोड कर दी गई हैं, बाकायदा 8 FLT लगाइए। इसके साथ साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग 1000+ टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिए गए हैं। जी हाँ, 1000+ टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए गए हैं, तो वो भी आप जरूर लगाइए और बढ़िया तरीके से कीजिए। जिन बच्चों को मैथ्स में दिक्कत होती है, रीजनिंग में दिक्कत होती है, DI में दिक्कत होती है, पेपर 1 का आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। जी हाँ, पेपर 1 का पूरा कोर्स मिल जाएगा, वो भी केवल 799 में, वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में, और पर्सनल गाइडेंस भी मेरा आपको मिल जाएगा। कोई डाउट लगता है तो आप मुझे बेझिझक पूछ भी सकते हैं मैसेज करके, कॉल करके। तो होपफुली ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, मिलता हूँ जल्दी आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।